हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इन क्लासेस। और आज की वीडियो में अपन रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट टू डिस्कस कर रहे होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और जो पूछे भी जाते हैं, ठीक है। और उसके साथ में प्रोपोर्शन जो अपना एक और नया टॉपिक है आज वो डिस्कस कर रहे होंगे अपन, ठीक है। जिन्होंने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले पहले वाली वीडियो जाकर देखिए, उसमें जो ए रेशियो बी तीन तीन रेशियो चार चार रेशियो वाली चीजें अपने डिस्कस की हुई है, कुछ अच्छे एग्जांपल्स भी किए हैं, तो उसके बाद आप ये वीडियो देखें। और जो चैनल पर नए हैं तो यार कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अच्छी लगे तो वीडियो, ठीक है। बिना अच्छे लगे लाइक नहीं करना है। अच्छा लगे यार कंटेंट पढ़ाने का तरीका, अच्छा लगे ट्रिक्स अच्छी लगे समझ में आए तो लाइक करोगे आगे भी काम आएगा यार, ठीक है भाई। चलिए बताए तो एक बार आज की वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। फुल एनर्जी के साथ बैठना है भाई, जल्दी जल्दी करेंगे अपन क्वेश्चंस को, स्पीड से थोड़ा, ठीक है। कुछ एवरेज नहीं सॉरी कुछ एजेस वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक कॉइन्स वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है तुम्हारा, ठीक है। 50 पैसे कॉइन हो गया और 25 पैसे कॉइन हो गया और 1 रुपीस वाले कॉइन हो गया, एक ये कॉन्सेप्ट हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। प्लस में एक प्रोपोर्शन रेशियो तो हर कोई जानता है, ठीक है। तो प्रोपोर्शन ये क्या है, कैसे इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मीन प्रोपोर्शन हो गया, कंटिन्यू प्रोपोर्शन हो गया, फर्स्ट प्रोपोर्शनल सेकंड प्रोपोर्शनल, कुछ चीजें हैं तो वो सब डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चन है, उसके अलावा वो डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। तो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले अपन रेशियो के कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे, इजी भी करेंगे, मॉडरेट भी करेंगे, डिफिकल्ट भी करेंगे। उसके बाद प्रोपोर्शन का एक से दो क्वेश्चन है, एग्जांपल मैं करा दूंगा, ठीक है। तो जब प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आएगा तो अपन प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले करो पहला क्वेश्चन ट्राई, थोड़ा स्पीड से कर रहे हैं भाई, ठीक है। पिछला वाला वीडियो भी काफी लंबा बन गया था अपना, वीडियो कम से कम रखना है अपन को टाइम का, जिससे कि तुम्हें देखने में मदद हो, हेल्प हो, ठीक है। थोड़ी स्पीड से क्वेश्चन करना है और अगर वीडियो स्लो लगे तो 1.5 या 2x पे देख के चलो, ठीक है। स्लो टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5 रेशियो 8, ठीक है। इफ देयर डिफरेंस इज 48 देन द स्मॉलेस्ट नंबर इज, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अपन ने पिछली वाली वीडियो में काफी करे हुए थे, रेशियो समझाया था सबसे पहले कि रेशियो होता क्या है, ठीक है, समझ में आ गया हो। जिन जिनको समझ में नहीं आया तो पहले वाली वीडियो जाके देखें एक बार। और उसके बाद अपन ने कुछ अच्छे क्वेश्चन भी किए थे उस वाले वीडियो में, ठीक है। तो देखो दो नंबर्स हैं एक 5:8 में, ठीक है भाई। इफ देयर डिफरेंस इज 48, तो सीधी सी बात बताई थी उस दिन भी कि 5 यूनिट है और ये 8 यूनिट है, इनका डिफरेंस कितना है 48 है, इनके बीच में डिफरेंस कितना है 3 यूनिट का है भाई, कितना यूनिट का डिफरेंस है 3 यूनिट का है, 3 यूनिट किसके इक्वल हो गई 48 की इक्वल हो गई, तो 1 यूनिट किसके इक्वल हो गई, तो 1 यूनिट तुम्हारी 16 की इक्वल होगी, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। अगर 1 यूनिट 16 की इक्वल है तो 5 यूनिट कितने की इक्वल हो गई 80 के, और ये कितना हो गया 68 का, देख लेना कितना होता है 2 हो गया और ये कितना हो गया 112 हो गया। निकालना क्या है मुझे, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 5, तो 5 क्या हो गया अपना 80। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इससे थोड़ी स्पीड से चल रहे अपन, जो अच्छे क्वेश्चन होंगे उस पर टाइम भी लगाएंगे, थोड़ा स्पीड स्लो करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कर लिए थे यार, अगर इन पे टाइम वेस्ट करते रहोगे तो अच्छे पिकअप करोगे, अच्छी चीजें सीखो, नई नई चीजें सीखो पे, नई नई चीजें सीखो उन पे टाइम लगाओ, पुरानी चीजें सीख लिए यार स्पीड बढ़ाओ ना बस। देखो द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 7:9:12, कोई भी ट्राइंगल है तीन साइड से बनता है ट्राइंगल, ये तो चीजें क्लियर होंगी, ऐसा नहीं कि चार साइड से कोई ट्राइंगल बनता है, नहीं बनता ना, तीन साइड से ट्राइंगल है उसकी जो साइड का रेशियो 7:9:12 है, ठीक है भाई। आगे द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइड 15 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो 7:9:12 इस यूनिट में, मतलब इस रेशियो में ट्राइंगल की तीन साइड गिवन है, तो ये 7 यूनिट, ये 9 यूनिट, 12 यूनिट, क्या बोला है द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट साइड ये हो गई और स्मॉलेस्ट साइड हो गई, ठीक है। इनके बीच में कितने डिफरेंस का यूनिट है भाई, इधर 5 यूनिट का, उसकी वैल्यू क्या गिवन है मुझे 15 सेंटीमीटर गिवन है, तो 1 यूनिट की वैल्यू में लिख सकता हूं कि 3 सेंटीमीटर है, बोलो आगे ना, बिल्कुल इजी है, ठीक है। अब निकालना क्या है मुझे, द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट साइड वुड बी, तो लेंथ ऑफ लार्जेस्ट साइड 12 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, जब एक यूनिट मेरा 3 सेंटीमीटर तो 12 यूनिट मेरा 36 सेंटीमीटर होगा, बोलो हाँ कि नहीं, ठीक है भाई।
पूछू कि मैं स्मॉलेस्ट यूनिट स्मॉलेस्ट साइड की वैल्यू कितनी होगी, 7 × 3 = 21, और ये बीच वाले साइड कितना होगा, 9 × 3 = 27। ठीक है, बड़े आगे इजी है। चलो अगला, जल्दी करो जल्दी जल्दी, स्पीड में रखना है थोड़ा। ठीक है चलिए करिए, पहले ट्राई करें। हर क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके ट्राई किया करो भाई, ठीक है, आराम से पूरा एफर्ट लगाया करो हर क्वेश्चन में, जब ना आए जब सोल्यूशन देखा करो। टू नंबर रेशियो 3:4, दो नंबर है उनका रेशियो गिवन है। ठीक है भाई, तो समझ में आ गया। ऑन इंक्रीजिंग ईच ऑफ देम बाय 30 द रेशियो बिकम 9:10। ठीक है, दो नंबर है 3:4 में गिवन है। ठीक है, हो सकता है वो नंबर ए हो, ए और बी हो। ठीक है, मुझे नहीं पता, बस सिंपल मुझे गिवन है 3 और 4। ठीक है, उसने बताया था कि रेशियो क्या होता है, कोई भी दो नंबर है, अगर दो नंबर का मैं रेशियो लेके चल रहा हूँ तो दो नंबर है कोई भी 18 है, एक मान लो 18 एक 20 है। ठीक है, उनके पास अभी कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर है दोनों में, दो है। ठीक है, इसे समझना, 18 और 20 दो नंबर है। अगर मैं इसको लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, मतलब क्या है कि इन दोनों नंबर में एक कॉमन फैक्टर है, क्या है, 2 है। ठीक है, इसको मैं हटा दूंगा या मैं इससे डिवाइड कर दूंगा तभी तो मेरा रेशियो आएगा 9:10। ठीक है, और मैं अगर 9:10 है तो इसको लिख सकता हूँ 9x और 10x। ठीक है, ये जो x है वही तो 2 है, यही तो बोलता है रेशियो, कुछ जो कॉमन फैक्टर है उसे डिवाइड कर दो, जो दो नंबर बचेंगे अगर दो नंबर है तो वो रेशियो होगा। ठीक है भाई, तो ये 9x और 2 लिख सकता हूँ। ये सब चीजें बताई हुई थी पहले, ठीक है, जिन्होंने पढ़ा होगा समझा होगा उन्हें दिक्कत नहीं आएगी। तो 3x और 4x, ठीक है, तो मैं दो नंबर मान लेता हूँ, 3x और 4x। ठीक है, ठीक है, मतलब ऑन इंक्रीजिंग ईच ऑफ देम 30, भाई ये 3x हुआ और ये 4x हुआ, दोनों को मैंने 30-30 से बढ़ा दिया जो क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, बढ़ाने के बाद जो रेशियो बना वो क्या बना, 9/10। ठीक है, अब इक्वेशन बन जाएगी मेरी, मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा और सोल्व कर लूंगा, एक्स की वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, 30x प्लस में 300। इसका सोल्व करने का एक मेथड और है, इसमें से 3 कॉमन ले लो, ये काट दो। ठीक है, ये 3 से कट जाएगा तो यहाँ 3 बच जाएगा, या फिर 2 काट लोगे तो यहाँ पे 5 बच जाएगा, पर पूरा सोल्व करने की बार तुम 36x प्लस में कितना हो गया 270। ठीक है भाई, तो ये उधर जाएगा तो बचेगा 6x, और यहाँ आएगा तो बचेगा 30। एक्स वैल्यू क्या आएगी मेरी, 5 आएगी, कोई भी दिक्कत, एक्स वैल्यू अगर मेरी 5 आएगी तो ये नंबर क्या होगा मेरा, 15, और ये नंबर क्या होगा मेरा, 20। ठीक है, पूछा क्या इसमें, द नंबर्स आर 15 और 20, ये एक मेथड है। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा क्वेश्चन मिले कभी भी एग्जाम में और तुम्हारे पास 4 ऑप्शन गिवन हो, पूछे कि नंबर क्या है, तुम ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऑप्शन से सोल्व करना कोई भी गलत बात नहीं है। ठीक है, एग्जाम में ऑप्शन से सोल्व करने होगा, तुम्हारा टाइम बच रहा है तो ऑप्शन से ही सोल्व करना है। ठीक है, पर यहाँ पर अपन कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, चीजें समझ रहे हैं कि क्वेश्चन बनती कैसे है, मुझे कैसे करना है। अगर तुम्हें ऑप्शन से नहीं आया तो इक्वेशन तो बना सकते हो, एक सेकंड बैकअप ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो इसलिए ये सब चीजें पढ़ते हैं अपन, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो इसलिए अगर एग्जाम में कभी भी ऐसी चीज आए तो ऑप्शन से ट्राई करना है। कोई ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता तो मैं ऑप्शन ट्राई करूँ, नहीं, ऑप्शन से आना सोल्व करना भी एक ट्रिक होती है, एक मेथड होता है। ठीक है, चलिए ये भी एक कला है, आर्ट। अगला, करिए 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 करिए, वीडियो पॉज करिए, ट्राई करो। चलो समझना, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 1/2, 2/3 और 3/4। ठीक है, ये पहले ही बताया था कि अगर तुम्हें नंबर फ्रैक्शंस में गिवन हो तो सबसे पहले मैं उन नंबरों को एक सिंपल जो अपनी जनरल फॉर्म होती है a:b:c, वही 3 नंबर तो ऐसी होगी जनरल फॉर्म, तो इसमें मैं चेंज करूंगा पहले, ये बताया था, वो एग्जांपल भी दिया होगा 1/2, 1/3 और 1/4। अगर ये नंबर है 3 फ्रैक्शन में है तो इनको अगर मुझे सिंपल फॉर्म में चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों का मैं एलसीएम लूंगा, जितने भी नंबर है, 2 है तो 2 का एलसीएम लो, 3 है तो 3 का लो, 4 है तो 4 का लो, जितने भी नीचे नंबर है उनका एलसीएम लो और उनको ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, इनका एलसीएम क्या आएगा मेरा, 12 आएगा, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है समझना, यही करना है हर क्वेश्चन में, क्या आएगा मेरा, 6, 4 और 3, तो ये मेरा रेशियो आया सिंपल फॉर्म में, ए बी सी लिख सकते हो, 6:4:3, एक जनरल फॉर्म है। ठीक है, जो फ्रैक्शन में कभी भी रेशियो को नहीं लेके चलना है, क्वेश्चन में मोस्टली सिंपल फॉर्म में आंसर करेगा और सिंपल फॉर्म में ही पूछेगा, आया समझ में।
अब बड़े करें क्वेश्चन कैसे करना है समझना। तीन नंबर दिए होंगे, रेशियो दिया है फ्रैक्शन में 1:2, 1:2 ठीक है, 1:3 और आगे मुझे क्या गिवन है, सॉरी 2:3 है भाई, और ये 3:4। अब सबसे पहले मैं इनको एक जनरल फॉर्म में, एक सिंपल फॉर्म में चेंज करूंगा। क्या करूंगा मैं, 2, 3 और 4 का एलसीएम लूंगा। क्या आएगा भाई मेरा, वही 12 आएगा। 12 आएगा तो मैं 12 से सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है, सबसे ही करना पड़ता है, एक से नहीं सबसे करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ता है वो भी बताया हुआ है भाई, ठीक है। क्या करोगे, सिंपल 6 आया ठीक है, 1 काटोगे 4, 2 8 हो गया, तो ये मेरा क्या आएगा 3, 3 9 हो गया ठीक है। ये मेरे पास सिंपल वैल्यू आ गई रेशियो की, 6:8:9 जो 3 नंबर है उनका रेशियो मेरे पास आ गया कि भाई वो नंबर 6:8:9 में होंगे ठीक है। इतना मुझे समझ में आता है। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज 27। तो ग्रेटेस्ट कौन सा है मेरा भाई, 9 है, स्मॉलेस्ट मेरा 3 है, लिख लेता हूं मैं बस 6, 8 और 9। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो मेरा कितना गिवन है भाई, 27। और वैसे मैं देखूं तो कितना है, 3 यूनिट इक्वल टू मेरा 27 है ठीक है भाई, कोई भी दिक्कत। 3 यूनिट की वैल्यू मेरी क्या आई, 27 आई। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरी क्या आएगी भाई, 9 आएगी ठीक है। अगर मेरा 1 यूनिट की वैल्यू मेरी 9 है, निकालना क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर इज, स्मॉलेस्ट मेरा नंबर कौन सा है, 6 है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 6 × 9 मैं बोल सकता हूँ 54, ऑप्शन डी ठीक है। बढ़े आगे, अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आए सीधा कमेंट बॉक्स में बिल्कुल डालना है कि भैया ये समझ नहीं आया मुझे, ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में मुझे ये स्टेप समझ नहीं आया, अपन बिल्कुल डिस्कस करेंगे, ये कोई शॉर्ट बना के डाल देंगे कोई वीडियो में, या अगली जो वीडियो बनाएंगे उसमें क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पर करेंगे जरूर ठीक है। तो किसी भी को बच्चे को डाउट लेके नहीं जाना है भाई, एक एक चीज समझ में आनी चाहिए ठीक है। चलिए अगला, और जितने भी क्वेश्चन है इनको अपनी एक फेयर कॉपी में या जो भी तुम्हारे पास नोटबुक है उसमें लिख लिख के एक अपने नोट बनाते चलो ठीक है, क्वेश्चन के सोल्यूशन करते चलो। जो जो मेथड बताता हूँ, एक इसी क्वेश्चन में एक मेथड रहता है तो अपन वो करो, किसी का एक कॉन्सेप्ट मेथड एक ट्रिक है तो उसमें वो लिखो, फॉर्मूले है तो वो लिखो, तो हर चीज एक नोटबुक में लिखते चलो। ये सब चीजें एग्जाम पास आएगा ना, बहुत काम आती है। चलिए करो, जैसे जैसे तुम्हारा एग्जाम पास हो जाएगा तो ये चीजें बहुत काम आएंगी भाई, की स्पेयर नोटबुक मिलेगी सीधा, उसमें से हर तरह के क्वेश्चन तुम ट्राई कर सकते हो, फॉर्मूले रिवाइज कर सकते हो, तो चीजें जब काम आती है। अभी तो लगेगा कि बस कौन कॉपी बनाएगा, कोई सबको बोरिंग लगता है, कॉपी बनाओ उसके ऊपर सब चीजें लिखो, इंपॉर्टेंट मार्क करो, और बाद में सबसे हेल्पफुल भी साबित होता है, तो करते चलो यार मेहनत थोड़ा बहुत। चलो करो, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो, हो गया ना, अच्छा 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 हाँ हाँ समझ गया। इसमें क्या है, उसने पूछा था कि द स्मॉलेस्ट नंबर इज, इसने पूछ लिया, क्वेश्चन ऐसे ही चेंज होता है, पूरा क्वेश्चन वही है, बस लास्ट में की लाइन बदल दी, पूरा क्वेश्चन बदल दिया कि भाई उसने पूछा था कि स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, इसने पूछ लेगा लार्जेस्ट नंबर बताओ, इसने पूछ लेगा कि तीनों नंबर का सम बताओ ठीक है, इसने पूछ लेगा एवरेज बताओ, इसने क्या पूछा है, एवरेज पूछा है। और मेरे पास नंबर क्या था, मेरे पास 1 यूनिट की वैल्यू थी 9 ठीक है, और मेरे पास जो आया था रेशियो आया था 6:8:9 आया था ठीक है। तो मैं अगर सिंपल सिंपल लूं, सबसे पहला मैं इनको अलग अलग करूँ कि इसकी 54 निकालूं, इसकी 72 निकालूं, या सीधा करूं मैं, कितना यूनिट है टोटल मेरे पास, कितना यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू 9 है, इन सम का, इन सब का सम मैंने जोड़ा, इनटू में 9 कर दिया, टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर से युक्त होता है, नंबर कितने, एवरेज ऑफ 3, तो नंबर कर दूंगा मैं नीचे 3। बोलो कोई भी दिक्कत, किसी भी तरह की, ये करना होता है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला सम अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ नंबर्स अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स, तो सम मैंने करा अपॉन में नंबर ऑफ टर्म लिखे ठीक है। यहां से मैं काट दूंगा इसको 3 times ठीक है, 9 + 8 = 17 + 6 कितना हो गया 23। अब 23 × 3 = 40 का 6। बोलो ऑप्शन में है कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई, कुछ गलती क्या गया, ओके एक सेकेंड 69 भाई, सॉरी ऑप्शन सी कर लोगे। बड़े आगे, 3 नंबर थे मेरे पास, उनका रेशियो था भाई, अगर तुम्हें सिंपल अलग अलग निकालना है, उसका 54 निकालो, उसका 72 निकालो, उसका 81 निकालो, उनको जोड़ो अपॉन में 3 करो, यही आंसर आएगा।
मैंने थोड़ा शॉर्ट किया, मैंने तीनों नंबर को ऐड किया, 6, 9, 6, 8 और 9 टोटल यूनिट पेपर कितनी हो गई, 23 यूनिट्स हो गई, और एक यूनिट वैल्यू कितनी 9 है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 कर दिया, तो 3 से मैं तो काट दिया, तो मेरा आंसर आ गया। ठीक है, बढ़िया के। चलिए अगला, आराम से करो। इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों को बहुत डाउट आता है भाई, ठीक है, कैसे करना देख लेना एक बार आराम से। समझना, गिवन है अपने को, ये गिवन है, ठीक है। कभी भी इस तरह क्वेश्चन कभी तुम्हें बुक में दिखेगा, कभी शीट में दिखेगा, कभी टेस्ट में दिखे, ठीक है। सिंपल जो रेशियो गिवन है ना, और ये अपने पास कुछ भी फॉर्मेट में गिवन है, मैं तुम्हें ऐसे भी क्वेश्चन गिवन होंगे, ए रेशियो बी कुछ गिवन होगा और बी रेशियो सी कुछ गिवन होगा, उसके बाद ऐसी इक्वेशन होगी। सिंपल एक मेथड समझ ला, कुछ नहीं करना, ये सब मान लो कि ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है और सी की वैल्यू है, या तुम एक्स लेके कर लो कि 1x, 3x और 5x, उनको पुट करो या एक्स एक्स सब कट जाएंगे, सीधा लेके चलना सिंपल, बस 4 × 1 किया, ठीक है, जो इक्वेशन है उसमें बस वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, 1 + 3 + 5 क्या आएगा, 4 − 3 + 10 अपॉन में कर दूंगा मैं, देखना 5 × 3 + 8 + 1 = 9, 9 × 3 = 27 कितना आएगा, 14 − 3 = 11 अपॉन में 27, ठीक है, बढ़िया है, कर लोगे इस तरह के क्वेश्चन। सिंपल जो भी रेशियो में गिवन है वैल्यू, वो तो रेशियो में जो भी गिवन है उनको सिंपल इक्वेशन में डालना है, दो रेशियो में हो, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी हो, तो उनको ए रेशियो बी रेशियो सी फॉर्म में चेंज कर लो पहले, उनके पास वैल्यू डाल दो, ठीक है, बढ़िया के। अगला, एक सेकंड, वही आ गया ना प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन, पहले सुन लो है ना प्रोपोर्शन होता क्या है, देखना आराम, जिन जिनको पता है प्रोपोर्शन वो स्किप करके सीधे क्वेश्चन पे जाए, और जिनको नहीं पता वो समझ ले एक बार, डाल लेना भाई हेडिंग में प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शन, ठीक है, होता क्या है देखो, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है, ऐसा कुछ, इसका मतलब क्या है, ऐसा ही होता है, ठीक है भाई, अब समझो, अब बस मुझे एक चीज चेंज करनी इसमें, कुछ नहीं देगा, यही क्या होता है मेरा प्रपोर्शन, बोलो बात क्लियर है कि नहीं है, ठीक है, इसको भी मैं ऐसे लिखता हूं, यही फॉर्मेट है मेरा, ए बाय बी और सी बाय डी, ठीक है, ये क्या कहलाता है मेरा फर्स्ट प्रपोर्शन, ठीक है, ये क्या कहलाता है मेरा सेकंड प्रपोर्शन, ये क्या कहलाता है मेरा थर्ड प्रपोर्शन, और ये क्या कहलाता है मेरा फोर्थ प्रपोर्शन, बोलो कोई भी दिक्कत है, समझ में आया, यही चीजें प्रपोर्शन है, अब समझो आगे समझो, एक और चीज इसी के अंदर लिखते चलना भैया ना, मैं बोलूं अगर इफ सेकंड प्रपोर्शनल इज इक्वल टू थर्ड प्रपोर्शनल, मैं बोलूं कि सेकंड प्रपोर्शनल इज थर्ड प्रपोर्शन, मतलब क्या है कि बी इक्वल टू सी है भाई, ए मेरा फर्स्ट प्रपोर्शन होता है, बी मेरा सेकंड, सी मेरा थर्ड, डी मेरा फोर्थ, ठीक है, तो बी सी मान लो, तो मैं लिख सकता हूं इसको सिंपल भाषा में ऐसा कुछ, बोलो आगे नहीं भाई, सेकंड प्रपोर्शन थर्ड प्रपोर्शन, लिखना चाहूंगा तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, बोल लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, ठीक है, तो तुम डी मानो इसको, सी मानो, जो भी वेरिएबल मानना है सीधी आती है, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं बी स्क्वायर टू ए डी, बोलो हाँ कि ना, और मैं इसी को लिख सकता हूं बी इज इक्वल टू रूट अंडर ए डी, ए डी अंडर द रूट, सॉरी, ठीक है, क्या है मेरा बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी और बी इक्वल टू ए डी अंडर द रूट, और यही मेरा क्या कहलाता है मीन प्रपोर्शन, क्या कहलाता है मेरा मीन प्रपोर्शन, समझना, आप देखो अगर मैं बोलू सीधा बात कि 7 इज द मीन प्रपोर्शन ऑफ 7, नहीं मान लो 6
सिक्स इज द मीन प्रपोर्शन ऑफ स्टैटिस्टिक भी छोड़ो, मानो कि बी इज अ एग्जाम्पल डाल के लिख लेना, बी इज द मीन प्रपोर्शनल ऑफ फोर एंड नाइन पॉइंट बी। मैंने बोला कि बी इज द मीन प्रपोर्शनल ऑफ अ फोर एंड नाइन दो वैल्यू, ठीक है, फाइंड बी करना है। कैसे करोगे? मीन प्रपोर्शनल क्या होता है समझा मैंने, बी अगर बी इन दोनों नंबर का मीन प्रपोर्शनल है मतलब कि बी इज इक्वल टू होगा रूट का फोर इंटू नाइन। अपनी क्या निकली थी जनरल फॉर्म, बी इज इक्वल टू रूट ए डी या ए सी, ठीक है, इस एक साथ फॉर्मेट में चले, इसको अपन डी को सी लेके चलते हैं, बस ये बात है और कुछ नहीं, डी ले लो तुम कोई बात नहीं, बिजल टू रूट ए डी। तो यहां पे क्या है कि बी ही मीन प्रपोर्शन है ए ओ डी का, बी मीन प्रपोर्शनल ए ओ डी का। यहां पे क्या गिवन है कि बी मीन प्रपोर्शन फोर एंड नाइन का, तो बी की वैल्यू क्या आएगी अंडर द रूट 36 और इसकी वैल्यू आएगी 6, क्या आएगी बी की वैल्यू 6 आएगी। बस ये चीज होती है और कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, मीन प्रपोर्शन ये सीधी बात है। अगर ए और सी का बी मीन प्रपोर्शनल है तो मैं लिखूंगा बी इक्वल टू रूट ए सी, ठीक है। एक और चीज इसी में होता है कंटिन्यू प्रपोर्शन, अगर मैं बोलूं कि सेकंड प्रपोर्शनल को थर्ड प्रपोर्शनल और फोर्थ प्रपोर्शनल इक्वल टू प्रपोर्शनल, जैसे ए बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी इज इक्वल टू सी बाय डी इज इक्वल टू डी बाय ए, ऐसे ही चलते जाओ टक 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 बिल्कुल आगे तक कितना भी लेके जाओ। तो ये जो सीरीज बनती है ये मेरी क्या कहलाती है, कंटिन्यू प्रपोर्शन। क्या कहलाती है भाई? कंटिन्यूड प्रपोर्शन, ठीक है, लिख लेना स्पेलिंग, ठीक है, समझ में आया नहीं आया, ए अपॉन में बी इक्वल टू बी अपॉन में सी, सी इक्वल टू, मतलब ये सब ये मिलने चाहिए, ये भाई ये सेम होने चाहिए, तो ये क्या आएगा मेरा कंटिन्यू प्रपोर्शन आएगा। बात क्लियर है? बढ़े आगे, अब क्वेश्चन करो, देखो अब होगा क्वेश्चन, करो करना भाई, अब करना है, अब करना है भाई, करना अब तो तुमने बेसिक क्लियर करते चलो, क्वेश्चन थोड़े अच्छे करते चलो, बाद में अपन जब एक क्वेश्चनों की सीरीज लाएंगे तो तुम्हारा एग्जाम पास करा, एग्जाम तो दो तीन महीने पहले शुरू कर देंगे अपन, हर टॉपिक पे अच्छे क्वेश्चन 15-15, 25-25, 30-30 क्वेश्चन या तो पीडीएफ में डाल दिया करूंगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, लिंक भी डाल दूंगा तो ज्वाइन कर लेना, उसके बाद अपन जब अपना एग्जाम पास आएगा तो अपन उनकी पीडीएफ डाल लगा सॉल्व कर देंगे। जिनको बच्चों को डाउट हो वो अपने जो भी क्वेश्चन डाउट हो उस पर पिन करें, उसका अपन आंसर भी करेंगे, ठीक है, शुरू करेंगे सब चीज़ें भी धीरे धीरे, अभी अपने बेसिक लिए करते लो, डाउट एक भी नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी तुम्हारी, ठीक है। एग्जाम में जब तुम जाओगे ना तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड के अंदर जनरल टेस्ट कॉन्फिडेंस आएगा, ये मेरी गारंटी, पर करते चलना है, मैंने जिस हिसाब से मैं बोलता चलो उन चीज़ों को करते जाओ, बस एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे अपन। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ 3, 4, 9, 3? सबसे पहले फोर्थ प्रपोर्शन निकालूंगा, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, अभी समझा मैंने, ऐसे ही होता है मेरा, ऐसे ही होता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जब भी वैल्यू क्या क्यों है 3 और 4, ये मान लू मैं 9, ये मान लू एक्स भाई, इसकी वैल्यू तो नहीं है, मान लेता हूँ एक्स, ठीक है, काट दू एक्स यार, बना लेना अच्छे से ना, ये 3 हो गया, एक्स की वैल्यू क्या है मेरी 12, तो मेरा फोर्थ प्रपोर्शन क्या आया 12 आया, रब कर दू, ठीक है। आगे देखो बोला है कि द मीन प्रपोर्शनल ऑफ बिटवीन ऐसे होता है, इसमें से 2 बार आया, इसमें से 7 बार आया, भाई रूट क्या होता है, पावर हाफ ही तो होता है रूट, भाई 3 का रूट या मैं लिखू 3 की पावर 1/2, एक ही तो बात है, ठीक है, तो ये क्या आएगा 2 आया बाहर 7 आया, तो वाई की वैल्यू आई मेरी 14 आई, वाई की वैल्यू आई मेरी 14 आई। निकालना क्या है मुझे, रेशियो निकालना है, तो 12/14 का रेशियो निकालना है, 6/7 खत्म, कोई भी दिक्कत, बढ़े आगे कर लोगे, चलो ऑप्शन में है ना, ठीक करो 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 करो
जल्दी थोड़ी स्पीड से, फिर से स्लो हो गया अपन भाई, बढ़ाओ स्पीड बढ़ाओ। देखो रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी 6:5, ठीक है। फोर इयर्स अगो द रेशियो वाज 5:4, ठीक है। ये एजेस वाला भी मान लो एग्जामिनर का फेवरेट कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। एजेस वाला ये तुम्हें एवरेज में भी दे देगा, ये तुम्हें रेशियो में भी दे देगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछता जरूर है एजेस का, ठीक है। देखना क्या बोला कि रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी, तो मैं लिख दूं प्रेजेंट एज भाई पहले, कि प्रेजेंट एजेस का रेशियो गिवन है 6:5 ए और बी का। अब बोला फोर ईयर सको द रेशियो वाज 5:4। देखो ये रेशियो में गिवन है, मैं मान लू कि 6:5x है वैल्यू, ठीक है। और चार साल पहले -4 कर दूं भाई, अभी प्रेजेंट एज का रेशियो 6x और 5x है, चार साल पहले घटा दो इनमें दोनों में से, ठीक है। उसका रेशियो क्या गिवन है, सही है। इसको सॉल्व कर लो क्या आएगा, प्रोसमेटिव पैर होगा तो 24x आएगा भाई, 16 25x और माइनस में 20 आया, ठीक है। एक्स बचेगा उधर जाके और यहाँ आएगा तो ये दो जाएगा 4, ठीक है भाई। 20 इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 20 - 16 4 बचता है, 4 बचेगा मेरा। निकालना क्या है मुझे, व्हाट विल द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी आफ्टर 12 इयर्स नाउ। तो प्रेजेंट जो एज है पहले वो निकालो, परसेंट एज निकालने के बाद 12 साल बाद जो दोनों की एजेस बढ़ेंगी उनका रेशियो निकालना है। परसेंट एज निकालू सबसे पहले मैं, एक सेकंड परसेंट एज क्या निकालूंगा मैं, क्या आएगी मेरी 24 और ये क्या आएगी मेरी 20, ठीक है। तो 12 साल बाद 12 और ऐड कर दूंगा, ठीक है। रेशियो क्या होगा, 36/32। अब बोल सकता हूँ मैं 4 से काटूंगा तो 9/8, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कर लोगे बढ़े आगे। परसेंटेज का रेशियो की बने, 4 साल पहले माइनस करो उसका रेशियो की बन, ठीक है। परसेंटेज मैंने निकाली, परसेंटेज निकालने के बाद पूछा कि 12 साल बढ़ाओ दोनों में से, उसके बाद एजेस का रेशियो निकालो, 12 साल बढ़ाने के बाद मेरे एजेस का रेशियो आ गया, ठीक है। जो जो क्वेश्चन में लिखा है उसको साइड में लिखते जाओ और उसके अकॉर्डिंग सोल्व करते जाओ, अपने आप आंसर निकल के आएगा। करोगे नहीं बस सिर्फ क्वेश्चन घूरते रहोगे, पढ़ते रहोगे, समझते रहोगे, दिमाग में कैलकुलेशन करते रहोगे तो नहीं हो, इतने जीनियस अभी हो नहीं। प्रैक्टिस करोगे तो वो भी बन जाओगे, पर प्रैक्टिस जरूरी है यार सबसे पहले। आ गया चलो करो। हाँ टू नंबर आर इन द रेशियो, इफ 4 इज एडेड टू ईच नंबर देन द रेशियो बिकम्स, ठीक है भाई, 5 सबट्रैक्टर फ्रॉम द ईच ऑफ द ओरिजिनल नंबर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। वही दो नंबर मान लो मैं ए बी की वैल्यू का गिवन है 5:2, वैल्यू में लिखूंगा 5x और 2x, ठीक है। 4 मैंने ऐड किया दोनों नंबर में तो रेशियो क्या बना मेरा 9:4, तो 5x+4 करूंगा मैं और इसमें मैं 2x+4 करूंगा तो मेरा रेशियो क्या बनेगा भाई 9:4 बनेगा, कोई भी दिक्कत यही गिवन है मुझे क्वेश्चन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना फिर से 20x+16 = 18x+16, ये नहीं नहीं कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है। हाँ ये 36 आएगा, ये 18 इधर आया तो 2, अरे ये तो 16 ही आएगा ना, ये 36 आएगा, सॉरी अपूर्व जी, ठीक है। 20 आया इधर तो बचेगा 2x = ये बचेगा 18, बोलो हाँ कि नहीं, 18 है 20, ठीक है। एक्स वैल्यू क्या आएगी मेरी 10 आएगी, कितना क्लियर, एक्स वैल्यू मेरी 10 आएगी तो प्रेजेंट एज में निकाल सकता हूँ, कितना आया इसका 50, तो कितना आएगा 20, प्रेजेंट एज आ गया मेरी 50 और 20, यही दिखा दे। अब निकालना क्या है कि सब 5 साल अगर ये सब्ट्रैक्ट कर दे दोनों में से तब उनके एज का रेशो निकालो, 5 साल माइनस कर दूँ मैं जो जो लिखा है मैं वही करता जा रहा हूँ, कुछ अपना दिमाग नहीं लगा रहा, जो लिखा है मैं करता हूँ। इनका रेशियो निकाल लो 3/1 खत्म। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए ऑप्शन, ठीक है बड़े आगे कर लोगे, इजी है, डिफिकल्ट है, कैसा है, इनकम्स वाला भाई
करो, कोशिश यही रहती है कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कराऊं मैं तुम्हें, इससे कि कोई भी अगर नई चीज दिखे तो घबराओ नहीं, जितना कवर हो पाएगा अपन कराएंगे, कुछ बच जाए तो तुम बताना यार, वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है करो, समझो। इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो, ठीक है, एक्सपेंडिचर रेशियो की बने, इनकम ऑफ ए इज ट्वाइस द एक्सपेंडिचर ऑफ बी। अब यहीं पे क्वेश्चन घुमा, यहीं से चीजें सोल्व करने की पता चलेगी। देखो क्या होता है, पूरा पूरा इनकम एक्सपेंडिचर और ये सेविंग, तीन चीजें होती हैं भाई, टोटल इनकम उसमें से कितना खर्च किया और कितना बचाया, एक्सपेंडिचर खर्चा हो गया और ये सेविंग्स बचाना हो गया, ठीक है। इनकम ऑफ ए एंड बी इन द रेशियो कितना, 5/3 में गिवन है, वैल्यू लिख सकता हूँ 5x और 3x, ठीक है। एक्सपेंडिचर इन द रेशियो 9 और 5, तो ये लिख सकता हूँ मैं 9y और 5y, कोई भी दिक्कत, निकालना क्या है, निकालना क्या है। एक चीज और गिवन है इसमें, इफ इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ ए इज ट्वाइस द एक्सपेंडिचर ऑफ बी, एक्सपेंडिचर ऑफ बी, बोलो हाँ कि ना हो। देखो किसी को भाई ये डाउट आ रहा है ना कि एक्स लेते हैं वाई लेते हैं, क्योंकि भाई इसमें कुछ कॉमन फैक्टर है, लोग ये रेशियो है, ये अलग दो वैल्यू से मिलके बना है और ये कुछ दो अलग वैल्यू से बना है, तो इनका जो कॉमन फैक्टर सेम नहीं होगा। जिनको नहीं, जिनको पता है वो ठीक है, जिनको नहीं पता उसमें बता रहा हूँ कि बहुत बच्चों को डाउट होता है कि एक्स लिया था वाई क्यों ले लिया, अलग अलग चीज कैसे, तो इनका अलग अलग रेशियो से ले होता है ना, तो इसलिए अलग अलग चीज लेके जाते हैं। यहाँ क्या आएगा, एक्स इक्वल टू वाई, खत्म, बस यही क्वेश्चन था, यही खत्म, बस और कुछ नहीं हो गया। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेविंग्स ऑफ ए एंड बी, एक्स इक्वल टू मेरा क्या है, टू वाई, या तो वाई को, वाई की वैल्यू एक्स में चेंज कर लो, एक्स वैल्यू वाई में चेंज कर लो, मैक्स की वैल्यू वाई में चेंज कर ले चलता हूँ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा मेरा 10y, और ये क्या बनेगा मेरा 6y, कितना y 6y, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू मेरा सेविंग, रेशियो निकालना है, रेशियो निकालना है, y बाय y क्या आता है 1/1, बोलो सही है कि नहीं है, वो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि नहीं है, तुम बताओ, कुछ नहीं करना था, सिर्फ माना 10 और 6x माना था, ठीक है, 5x और वो 3x माना, इसका माना, सबसे पहले सेविंग निकालना है, तो टोटल इनकम में से अगर मेरा खर्चा माइनस कर दूंगा मैं, एक्सपेंडिचर मेरा माइनस कर दूंगा, तो वो मेरी सेविंग्स आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लिखा, उसके बाद जो इक्वेशन एक कंडीशन गिवन है वो मैंने अप्लाई की, उसके बाद मैं एक्चुअल टू वाई वो मैं चेंज किया वाई में, उसमें माइनस कर दिया, खत्म, कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है, बढ़ो चलो अगला, लास्ट क्वेश्चन है भाई, पॉइंट्स वाला है, समझ लेना आराम से, उसको पहले पूरा सोल्व करो, पूरा एफर्ट लगाओ, उसके बाद समझना है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके बाद डाउट नहीं रहेगा इस क्वेश्चन में, है ना, समझना आराम से क्या क्या बोलता हूं। देखो अब बैग कंटेन्स कॉइंस ऑफ, मतलब 1 रुपीज कॉइन, 50 पैसे कॉइन और 25 पैसे कॉइन, ठीक है, कलेक्ट हुए इस रेशियो में 2:3:5, ठीक है। हो सकता है कि सिर्फ 2, 3 और 5 कॉइन, 2 कॉइन हो एक ही रुपए के, 3 कॉइन हो 50-50 पैसे के, 5 कॉइन हो 25-25 पैसे के, हो सकता है ऐसा, नहीं हो सकता, क्योंकि जो इनकी टोटल वैल्यू है ऐड करने पर 228 है भाई, इनको ऐड करोगे 2 रुपए होगा, वो 1.5 रुपए बनेगा, पर वो कुछ 1.85 पैसा बनेगा, आ रही है नहीं आ रही है, ये नहीं होगा, तो मतलब कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर की वैल्यू तो होगी, अभी मुझे नहीं पता, मैं निकालूंगा, मैं कैसे सॉल्व करूंगा वो देखना, पर सबसे पहले ट्राई करो इसको, ठीक है, समझ आई बात। देखो मान लेता हूं मैं, वन रुपीज कॉइन, ठीक है, 50 पैसे कॉइन हो गया और मेरा ये 25 पैसे कॉइन हो गया, रेशियो का गिवन है मुझे 2, 3 और 5, यही गिवन है, मैं लिख सकता हूँ इनको 2x, ठीक है। अब समझ रहा भाई, मेरे पास 2 कॉइन है, 1-1 रुपए, तो रुपए कितने हुए, 2 रुपए हुए, ये तो पता होगा, ये तो आसान भाषा है, बिल्कुल सिंपल चीज है भाई, 2 कॉइन 1-1 रुपए का टोटल कितने रुपए, 2 रुपए, 3 कॉइन 1-1 रुपए का टोटल कितने रुपए, 3 रुपए। मेरे पास मैं बोलता हूँ कि 10 कॉइन है, 10 भी छोड़ो बिल्कुल ही दिलो, 2 कॉइन है 50 पैसे के, 1 50 पैसे का कॉइन, 1 50 पैसे का, टोटल कितने का, 2 कॉइन है 50 पैसे, 50 पैसे, रुपए कितने हो गए,
एक रुपया, दो कॉइन 50 पैसे के रुपए कितने, एक रुपया, चार कॉइन 50 पैसे के रुपए कितने, दो रुपए, छह कॉइन 50 पैसे के रुपए कितने, तीन रुपए। भाई 50-50 पैसे के कॉइन मतलब वैल्यू हाफ है, छह कॉइन में पास 50-50 पैसे के छह कॉइन है तो रुपीज कितने होंगे, वो 3 रुपए होंगे। 8 कॉइन है 50-50 पैसे के, रुपए कितने होंगे मेरे, 4 रुपए होंगे। मतलब जितने मेरे कॉइन है 50 पैसे के तो बाय 2 कर दूंगा तो रुपीज भी कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कर लूंगा, 2x मतलब सिंपल बात, भाई 5x कॉइन 1 रुपए के 5x रुपीज, मतलब 10,000 कॉइन 10,000 रुपए के हो गए, यहाँ क्या होगा x हो गया, ठीक है। ये मैं 2 कर दूंगा, भाई जितने भी कॉइन होंगे बस 3x कॉइन है, 3x कॉइन है 50-50 पैसे के, बाय 2 किया रुपीज में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये रुपीज में कन्वर्ट, ये रुपीज में कन्वर्ट, इसका देखो मैं बोलूं 4 कॉइन 25-25 पैसे के, 25-25-25-25 चारों को जोड़ेंगे जब 1 रुपया बनेगा, या बोल सकता हूँ कि 4 कॉइन 25-25 पैसे के, तो फोन में कर दूंगा मैं 4 1 रुपया। मैं बोलूं 8 कॉइन 25-25 पैसे के, 8 कॉइन 25-25 पैसे के, बाय कर दूंगा डिवाइड 4, मतलब 2 रुपया। 25 पैसे कंडीशन क्या है कि जितने भी मेरे पास कॉइन है डिवाइड में 4 करूंगा तो मेरा रुपीज में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो वही मैं करूंगा डिवाइड बाय 4। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया। अब बच्चों को डाउट कि भाई तुमने रुपीज में क्यों चेंज किया, क्योंकि मुझे रुपीज में गिवन है भाई कि टोटल जितना मेरे पास इनका कलेक्शन है ना वे 228 रुपीज है। अगर ये गिवन हो तो मेरे पास 228 पैसे 50 पैसे की फॉर्म में गिवन होता, उसमें तो कैसे होता गिवन यार, हो सकता है कभी यार, नहीं रुपीज में गिवन होगा, ठीक है। वो कंडीशन आएगी नहीं तुम्हारी, है ना। तो रुपीज में गिवन होगा तो जितने भी कॉइन्स है 50 पैसे के 25 पैसे के 10 पैसे के, 10 पैसे के होते क्या करते 10 से डिवाइड करते। मैं बोलता कि 10 पैसे के मेरे पास 10 कॉइन है, 1 रुपया हो गया मेरा। मैं बोलता कि 10 कॉइन है मेरे पास 10-10 पैसे के, तो 10 मिलाओगे तब 1 रुपया बनेगा, मेरे पास 20 होंगे तो 2 रुपये बनेगा, सिंपल बात है। जितने का है उससे डिवाइड कर दो, 50 पैसे कॉइन है तो तुम 2 से डिवाइड करोगे, 50 पैसे के 5x कॉइन है 2 से डिवाइड कर दिया 2.5x रुपीज आया, ठीक है। 4x कॉइन है मेरे पास तो 2 से डिवाइड कर दो, मेरा क्या आया 2x में रुपीज में आया, ठीक है। अब इनकी वैल्यू मुझे क्या गिवन है 228। अब यहां से मेरी x की वैल्यू आ जाएगी, अगर मेरी x की वैल्यू आ गई तो ये रुपीज में आ जाएगा, ये रुपीज में आ जाएगा, ये रुपीज में आ जाएगा, समझ में। निकालना क्या है 50 पैसे कॉइन निकालना क्या है, और ये इनका रेशियो क्या था इनका, ये जो रेशियो था ना वो कॉइन्स का रेशियो है, मतलब कि इनके पास कितने कितने रुपीज का कुछ रेशियो नहीं है, बिल्कुल ये चीज का डाउट नहीं आना चाहिए कि ये और ये सेम चीज है 2:3:5 ये कॉइन्स का रेशियो की, मतलब मान लो इनके पास 2 तो नहीं हो सकता, 4, 6 और 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो भी है, पर कॉइन्स का रेशियो है, ठीक है। और ये इनकी रुपीज में कन्वर्ट करने के बाद वैल्यू है। अब एलसीएम लेंगे, सीधा संभव समझना क्या है, एलसीएम मेरा 4 आया, 4 × 2 8x हो गया, ये मेरा 6x हो गया, एलसीएम लेके सोल्व कर रहा हूँ और कुछ नहीं, बस 5x आ गया, इसको मेरा 228 आया, ठीक है। ये करूँ क्या आएगा मेरा 14 × 5 19, ये कर दूँ अब, ठीक है, लिख लेना एक बार, ये आया मेरा 19x अपॉन में 4 इसको मेरा क्या आया 228 आया, 19 से काटूंगा मैं 1 टाइम और 2 टाइम 38 होता है, ठीक है। एक्स वैल्यू क्या है मेरी 48, खत्म, बस हो गया क्वेश्चन। एक्स वैल्यू क्या है मेरी 48 आई, और जो मैंने शू में निकाला था इनका रेशियो क्या था, पॉइंट्स का रेशियो 2x 3x और 5x, यही था मेरा। बोलो आगे ना कि भाई 1 रुपीज कॉइन 2x कॉइन्स है, 50 पैसे वाले कॉइन मेरे 5x कॉइन्स है, सॉरी 3x कॉइन है, और 25 पैसे वाले कॉइन मेरे 5x कॉइन है, मुझे कितने क्या निकालना है, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन 50 पैसे कॉइन्स निकालने हैं मुझे, तो कितना होगा एक्स वैल्यू 48 है, यह आया मेरा 144, ये आएगा ना 3824, ठीक है, क्या है मेरा 140। इतना बात क्लियर है कि नहीं, यही मेरा आंसर है। अगर अब मैं तुमसे पूछ लेता, मुझे ये नहीं जानना कि भाई 50 पैसे कॉइन कितना, ये बताओ कि 50 पैसे को रुपीज में चेंज करके कितने रुपीज बनेंगे, अगर मेरे पास 144 50 पैसे के कॉइन है, 144 50 पैसे के कॉइन है तो बाय 2 कर दूंगा, मेरा क्या आएगा 72 रुपीज है, ठीक है। इनको करूंगा तो कहाँ गया, ये कर लो 48 × 5 कर लो, ये क्या आएगा मेरा कॉइन्स आएंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स 20 पैसे के कॉइन, 25 पैसे के कॉइन्स डिवाइड बाय मैं 4 कर दूंगा, कितना आएगा 12 5 60 60 रुपीज होगा ये,
ये 50 रुपीज हो गया और ये मेरा एक सेकेंड 60 रुपीज हो गया, ये मेरा 22 रुपीज हो गया, फिर 48 into 2 को 96 रुपीज हो गया। इन तीनों को ऐड करोगे तुम्हारा क्या आएगा, 228 ही आएगा। तुम क्रॉस चेक भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन को पूरा पन्ने से समझा, क्या क्या रेशियो है, कॉइन्स का रेशियो रुपीज में चेंज करना हो गया, अलग अलग कैसे निकालना है वो भी समझ गया, प्लस में इनको जोड़ के अपना आंसर भी तैयार है। बात क्लियर है कि नहीं है? अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, छोटे से छोटा भी, तो बिल्कुल बताना है, ठीक है? डरना नहीं है, घबराना नहीं इन चीजों से। क्वेश्चन करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, डाउट निकालोगे, उससे चीजें क्लियर होंगी तुम्हारी, ठीक है? और कुछ बच रहा है इसमें? तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। और तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ाई अच्छे से करते रहें, और अगर वीडियो अच्छे लगे, कंटेंट अच्छा लगे, चीजें समझ में आई, तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और शेयर करते चलो, ठीक है? और बाय बाय, टेक केयर।